You're driving back home. You've started nodding off. Your XUV 700 notices it and nudges you awake. Hello, driver drowsiness detection. Hello, XUV 700. बेहतर है उसका नाम है ड्राउजी ड्राइवर डिटेक्टर। ये फीचर्स अगर आप अपनी कार्स को काफी लॉन्ग टाइम से ड्राइव कर रहे हो और आपने रेस्ट नहीं लिया है तो ये आपकी ड्राइविंग स्किल को सेंस करके आपको बता देगा कि आपको रेस्ट लेना चाहिए और आप अपनी गाड़ी स्टॉप कर दो। या तो ये फीचर आपको कॉफी पीने के लिए कहेगा या फिर ये फीचर आपको गाड़ी बंद करने के लिए कहेगा। वैसे ये फीचर है बड़ा कमाल का। और पहला है ADAS सिस्टम। XUV 700 के अंदर ADAS सिस्टम लाने के बाद एक्सीडेंट के चांस बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि ये फीचर्स की मदद से आप बेहतर तरीके से ड्राइविंग कर सकते हैं। ADAS सिस्टम IEB कैमरा और सेंसर से लैस होता है। अगर आपके सामने कोई गाड़ी खड़ी है तो ये सेंस कर लेता है कि आपने ब्रेक्स अप्लाई किए हैं नहीं किए। अगर आपने ब्रेक अप्लाई नहीं किए हैं तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप ब्रेक अप्लाई कर देगा जिससे कि एक्सीडेंट ना हो सके, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है और काफ़ी कूल फीचर्स है। और ADAS सिस्टम आपको ग्लोबली मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कारों में आपको देखने को मिल जाएगा। और दूसरा है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। इस फीचर की वजह से आप अपनी कार की स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई कार चल रही है तो ये क्रूज कंट्रोल डिस्टेंस बनाकर अपनी स्पीड लिमिट को सेंस करती रहेगी। अगर वो सामने एक कार अगर एकदम से रुक जाती है तो यह एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल अपनी ब्रेक्स अप्लाई कर देगा जिससे कि एक्सीडेंट ना हो सके। ये जितने भी सारे फीचर्स हैं मोस्टली सेफ्टी फीचर्स दिए हुए हैं इसके अंदर जिससे कि एक्सीडेंट ना हो सके, इसलिए इसके अंदर इतने सारे फीचर्स दिए हुए हैं। और तीसरा फीचर है वो है ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट। इस फीचर की मदद से अगर आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हो और आप राइट में टर्न लेना चाहते हो लेकिन अचानक से कोई कार साइड से निकलती है तो आपको ये बीप के द्वारा या सेंसर के द्वारा आपको आपको बता देगा कि एक साइड में कार निकल रही है, तो जिससे कि एक्सीडेंट के चांसेस कम से कम हो सके। और चौथा फीचर है जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतर है उसका नाम है ड्राउजी ड्राइवर डिटेक्टर। ये फीचर्स अगर आप अपनी कार्स को काफी लॉन्ग टाइम से ड्राइव कर रहे हो और आपने रेस्ट नहीं लिया है तो ये आपकी ड्राइविंग स्किल को सेंस करके आपको बता देगा कि आपको रेस्ट लेना चाहिए और आप अपनी गाड़ी स्टॉप कर दो। या तो ये फीचर आपको कॉफी पीने के लिए कहेगा या फिर ये फीचर आपको गाड़ी बंद करने के लिए कहेगा। वैसे ये फीचर है बड़ा कमाल का, जो काफी कूल है और बढ़िया भी है। और चौथा है ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग। ये फीचर्स कार के अंदर AEB कैमरे से और सेंसर से लैस होगा। ये फीचर एनी टाइम एक्टिवेट रहता है। अगर सामने आपकी कार है या कोई वॉल है कुछ भी है, अगर आप ब्रेक अप्लाई नहीं करते हो तो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ब्रेक अप्लाई करने के लिए कहेगा। अगर आप फिर भी ब्रेक अप्लाई नहीं करते हो तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई कर देगा। और छठा है लेन कीप असिस्ट। इस फीचर की मदद से अगर आप हाईवे पर चल रहे हो 60 mph की स्पीड से अगर आपकी कार अपनी लाइन से चेंज होती है तो आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बिलिंग करके बताएगा कि आपकी कार लेन से चेंज हो रही है, जो कि काफी बेहतर सेफ्टी फीचर भी है। और सातवां फीचर है हाई बीम असिस्ट LED लाइट्स, जो कि आप सभी को पता है कि XUV 700 के अंदर बूस्टर हेडलाइट मिलने वाले हैं जिससे कि हाईवे पर आपकी हेडलाइट्स की रेंज बढ़ जाती है जिससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलती है रात को चलाने में। और आखिरी है आठवां पॉइंट, वो है पर्सनलाइज स्पीड वार्निंग सिस्टम, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतर है। आपकी कार के अंदर किसी भी एक फैमिली मेंबर की आवाज में यह आपको स्पीड कम करने की बोलेगा कि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, प्लीज इसको कम कर लीजिए। कुछ इस तरीके से अगर जो भी आपकी फैमिली मेंबर्स की आवाज होगी जो रिकॉर्ड करके इसमें डाली जाएगी, आई थिंक कुछ इस तरीके से होगा। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर जो प्राइस है वो शुरू होता है 30 लाख से शुरू होकर 37 लाख रुपए तक जाता है एक्स शोरूम। लेकिन XUV 700 का प्राइस क्या होने वाला है ये अभी तक ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि इसका जो प्राइस स्टार्ट हो सकता है वो 14 लाख से स्टार्ट होकर 21 लाख रुपीज तक हो सकता है। लेकिन टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर के अंदर भी आपको इतने हाईटेक फीचर्स नहीं मिलते लेकिन फिर भी इनका प्राइस इतना ज्यादा हाई है। तो फिर XUV 700 का प्राइस क्या होने वाला है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन